दोस्तों Vivo V5 Plus का सक्सेसर फाइनली हमें देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, फोन नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है सितंबर में और फोन का नाम रहेगा Vivo V7 Plus। ये टीजर Vivo ने हमें भेजा है। तो फोन क्या ऑफर कर सकता है, क्या फोन की स्पेसिफिकेशंस रह सकती हैं, वो मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और देखिए, लीक्स और रूमर्स पे बेस्ड वीडियो है, तो हो सकता है इसमें जो बताया जाए वो शायद गलत हो जाए जब एक्चुअली फोन लॉन्च हो, तो इस पे पूरा यकीन ना करें। लेकिन तब भी क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है डिवाइस से, वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फोन आएगा मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ। बैक में फोन वैसा ही दिखेगा जैसा यूजुअली वीवो के फोन दिखते हैं, लेकिन फ्रंट यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। इस बार आपको डिस्प्ले जो मिलेगा वो फुल विजन या फिर इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगा। जी हाँ, जो यूजुअली 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है फोन में, वो यहाँ पे वीवो V7 Plus में नहीं दिया होगा। या तो आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा या फिर 18:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, जैसा कि LG G6 या फिर Samsung Galaxy S8 में यूज हुआ है। जी हाँ, ये होगा, ये कन्फर्म है कि डिस्प्ले जो है वो इस बार इन्फिनिटी डिस्प्ले वाला डिस्प्ले आने वाला है। माना जा रहा है 5.5 इंच का डिस्प्ले होगा, एमोलेड पैनल के साथ आएगा और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन यूज करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है अगर ऐसा होता है। इसके अलावा फ़ोन का प्रोसेसिंग पावर पे अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। फ़ोन के दो मतलब माना जा रहा है कि या तो स्नैपड्रैगन 660 होगा या फिर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर यूज़ होगा। दोनों में से कौन सा यूज़ किया जाएगा इसका पता नहीं है, लेकिन दोनों में से एक रहने वाला है। 6GB रैम तक के ऑप्शन प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, या 4GB रैम और 6GB रैम आपको मिल सकती है, और 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया होगा इस डिवाइस में। इसके अलावा कैमराज के लिए अगेन माना जा रहा है फ्रंट में आपको डुअल कैमरा सेंसर फिर से देखने को मिल सकते हैं जैसा V5 Plus में हुआ था, और बैक में सिंगल कैमरा सेंसर दिया हो सकता है। कन्फर्म अगेन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वीवो ऐसा काम कर दे। इसके अलावा 3500 mAh की बैटरी के साथ ये डिवाइस लॉन्च हो सकता है। एंड्रॉयड नोगट पे बेस्ड जो इनका फ्रंट टच OS है, वीवो का अपना OS, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जो स्पेसिफिकेशंस है लीक्स और रूमर्स पे बेस्ड है, लेकिन जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि फोन का डिस्प्ले इस बार यूजुअल डिस्प्ले नहीं होगा, इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस आएगा। तो फोन लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ इंडिया में, और हमें तब पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली फोन क्या ऑफर करने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेक बुनी को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।